पर सिंस देयर डिस्प्यूटेड एरिया वो उन्हां दा नहीं है, उन्हों चाहते कि एक डिस्प्यूटेड एरिया आके कब्जा कर लैन, सो दे विल बी एट अ बेटर पोजिशन सो दैट ऑल द हाईवे जिहड़ा साडा है मोनिटर कर सकते हैं, एंड जो उन्होंने लोड़ पे सानू कट ऑफ करन बहुत सिंपल होना नहीं है। हाले तक कोई वॉर नहीं हुई, हाले तक जिंदा कहते कि दो तीन गोलियां जिन्हें कोई लड़ाई नहीं चालू हुई है, उसके लिए तैयारी दोए साइड से साडे एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम आर्टिलरी सिस्टम बहुत सज वे रेडी, ताई तो हैगा, ताई तो असी तैयार हैगे, ताई तो साडा भी दबका हैगा। मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी ऑफ वेपन्स, द लीथलिटी ऑफ द वेपन्स हैव इंक्रीज्ड, द वॉर तो ताई हुंदा, रिजल्ट ये कि जितने फिजिकल टेरिटरी ना गेन हुए अखीर जाके वॉर का यह मतलब यही है। एक पास देखा जाए डर तो सारे लगता है, यही रहा फीलिंग कि मैं मरन नहीं जा रहा, मैं तो मारन जा रहा, सो उसी फीलिंग ना दे वर्ड डर जड़ा कि सारा जग एक ना डिफरेंट वे ना गायब रह जाता है। पोलिटिकल डिसीजन यहोजे हो जाते हैं कि फिर अपने आप में बंदा निहत्था ही समझता कि इन्ना कुछ हो गया, क्योंकि मरदी तो इंसान है इधर भी तो उधर भी, तो कितना कितने फिर पोलिटिकल डिसीजन भी यह जे हो जाते हैं कि थोड़ा बंद विच हो जाता कि यार ये गलत हो गया। भारत अते चीन दे विचाले तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, एक झड़प दे विच भारत दे 20 जवान शहीद हो गए, 4 जिने पंजाब दे सन, तां अज उन्हां दा संस्कार होया, श्रद्धांजलि भेट कीती गई है। पर इस सब दे विचाले हुण सारिआं दी निगाह गुलवान दे उस बॉर्डर दे उपर आ जिथे ये झड़प हुई सी, आउण वाले समें दे विच की होवेगा जां उत्थे की स्थिति है, इस बारे असी गलबात करांगे सरबजीत सिंह ਖੋਟੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, 71 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗ 21 ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ। ਖੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ लाइफ का जिहड़ा तजर्बा आ वह किस तरीके नाल ये इस वेले माण रहे हैं। हुट साहब सब तो पहला तो स्वागत। थैंक यू जी तुहाडे आउण दा, कि इस जो अपनी जो स्थिति हैगी इस वेले जो बॉर्डर दे विच चाइना दे नाल है बड़ी नाजुक स्थिति है, जो कुछ हुण दी जिहड़ी हादसा हुई है कि फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू द टेंशन आर देयर वेरी वेरी हाई, एंड देखिए हुण अगे पोलीटिकल डिसीजन की है, पोलीटिकल विल की है, वट इज़ ऑन द अदर साइड ऑन द वी जो सानू इस चीज़ के लिए एज फॉर द सर्विसिज आर कंसर्न दे आर एबसोल्यूटली रेडी एंड जिन्होंने कहते बिल्कुल तैयार है, और जो भी पोलीटिकल डिसीजन होगी उसनों अगे ले जाने केपेबिलिटी पूरी आएगी। जी झड़प हुई है उत्थे तुसीं इहनूं किवें देखदे हो, क्योंकि तुहाडा बड़ा लाइफ का वड्डा तजर्बा आ, एयर मार्शल रहे हो तुसीं, कमांडर भी रहे हो, तो यह जिहड़ी झड़प हुई है इहनूं किवें देखदे हो, इहनूं वॉर कहा जा सकदा कि जां इह खाली एक लड़ाई सी? नहीं जी, हले वॉर तो बहुत ही बड़ी वर्ड है, लड़ाई भी हले कित पहुंची नहीं है, सो दिस इज़ अ बेसिकली जड़िया एल ए सी दे विच जड़ी टेरिटरीज जड़िया है, जो एरिया जो हैगा जो डिस्प्यूटेड एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल हैगा, बट ये साडा बॉर्डर हले तक मनिया नहीं गया, तो ये इन्नी गल रही है कि जो कुछ भी जिते डिस्प्यूटेड बॉर्डर नहीं होया उत्थे जिहड़े साडे पेट्रोल दो साइड दे जा सकते हैं, बट इट अनआर्म्ड होने चाहिए आ, कि जानी दो करके साडा इस एरिए का समझौता नहीं होया। हुण गल यही हुई है इस टाइम दे विच जिहड़े ये पेट्रोल दे विच जाना हैगा, तो यही होंगे कि एक दो ने कोई दोवों ने हले कोई डिसीजन नहीं हुआ कि जो चाइनीज़ फोर्सेज है कि उस विच है मनिया जाए तो उदो इंडियन फोर्सेज उस जगह पर पेट्रोल ना जा, और तुहानू सारी सिचुएशन ये हुई है कि इन्होंने ये जगह डिस्प्यूटेड जाके अपने कैंप ला ले बैठ गए, सो इस तरीके ने उन्हों का सी कि असी ये कर रहे हैं, बट बेसिकली उन्होंने साड़ी जिहड़ी भारत वालों साड़ी डेफिनेटली है ये जदों ओवर द ईयर साड़ी काफ़ी असी इस एरिया
अपनी सरकार देख सकी है उसकी तरक्की वास्ते सड़क बन गई है प्रोस्पर इकोनॉमिक प्रोस्परिटी देने वास्ते चीज़ा असं पहुँच गए हैं नैचुरली ये जो चीज़ा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने ये थ्रेट जहा लगता पाया तो पता एक्सचेंज की एक्सचेंज का एरिया उन्होंने को है उन्होंने उत्त मेन हाईवे जोड़ा पाकिस्तान घूम के जाता वह भी हैगा है सो य सारिया जगह के इस चीज़ को जी डिस्प्यूटेड जगह पर वो अपना उत्ते अपना हक जमाना चाहते हैं क्योंकि उस जमा करके उन्होंने जिदा कोशिश की कि असी बह जावे असी कोई जवाब ना देवे ज यही चीज़ हुई थी अनप्रवोक्ड हाले चीज़ सो जी जिस जंग की गल है हाले ती कोई यहोजी चीज़ आई नहीं जस्ट दैट इज़ वाई जी अब कुछ अखबारों पढ़िया है मोस्ट ऑफ दिस हैंड टू हैंड फाइट हुई है बट जे उन्होंने मोटिव से बहुत क्लीयर से देवर यू नो कोई सुने चेंज दे बैट्स सारा कुछ तैयारी कि बिकॉज उसे वैपन का नहीं दो पासे हाले कदर कर रहे हैं हूँ ये चीज़ किदा अगे जाती है नैचुरली कि असी साडा भी साडे प्राइम मिनिस्टर एंड आवर कैबिनेट इज टेकिंग अ वेरी वेरी गुड फर्म डिसीजन दैट कि साडी इस टेरिटोरियल दी जो साडी साडी जो सारी चीज़ है उसके कोई उंगली ना आवे तो उस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर वेरी क्लीयर स्टेट ली हैगी सो देखो हूँ एक किदा प्ले आउट कर दी इट इज तीन साइड दी पोलिटिकल मिलटैरली हाउ इट गोज फॉरवर्ड जो कुछ भी है जिथे डिस्प्यूटेड है इट शुड बी पहले सॉर्ट आउट होए हूँ पीपल शुड गो बैक टू एक्सैप्ट द डिस्प्यूटेड लैंड सो बट जे तुम नहीं कहोगे तो आ पोलिटिकल विल है कि वी विल डेफिनेटली असी उन्होंने ये चीज़ नहीं कर देवे सो ये चीज़ जो हल है जब मैं तुम दसा उन्हें कि प्ले आउट करता इट इज़ पोलिटिकल लैवल फर्स्ट एट द डिप्लोमैटिक लैवल रादर सिख डिप्लोमेसी के नाल ये चीज़ मानते कि नहीं बट जे कोई ज़्यादा दबका रखेगा तो असी भी इस चीज़ को साड़ी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानती है कि वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विच इज नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लाइटली आर्मी तैयार बर तैयार बैठी है मतलब जे कोई हुक्म आते हैं तो उस वे तैयार हाले तक कोई वॉर नहीं हुई हाले तक जिंदा कहते कि दो तीन गोलियां जिन्हें कोई लड़ाई नहीं चालू हुई उसके लिए तैयारी दोए साइड से साढ़े एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम आर्टिलरी सिस्टम बहुत साइज भी रेडी ताई तो हैगा ताई तो असी तैयार है ताई तो साडा भी दबका हैगा जे साडे को ना हो आके बह जाना सी सो दैट वे थोड़े दर्शकों का सारे पता होना चाहिए साड़ी है चुनौती पूरी हैगी है पोलिटिकल विल भी हैगी है एंड चाइना आई मीन सोच के जो सोचा कि दे विल बी अ वॉक ओवर मैं लगता नहीं होगा अच्छा एक गल ये कि थोड़ा जिवें तुसी मैं शुरू च दस्सिया 71 सियाचिन 99 या 62 दे विच भी थोड़ा हिस्सा रहा पर उस समय तो हुण दे समय दे विच की फर्क है क्योंकि उदों जंग दे मायने कुछ होर सीगे हुण तां ताकतवर देश हो गए चाहे आपां इंडिया दी चाहे चीन दी गल कर लईए तां थोड़े जे डिफरेंस की हो गया हुण तुहानूं की लगदा कि डिफरेंस की आ गया सी पहले जिदा तुसीं एक जिहनूं कहिंदे कन्वेंशनल वॉरफेयर जिहनूं कहिंदे सी एक तां हुण हायर लैवल दे न्यूकलीयर वॉरफेयर कई चीज़ां बढ़ गईआं जो कि चीज़ां बदल गईआं हुण ईवन जो जहाज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखो जिहड़ी जिहड़े जिहड़े मैं जॉइन कीता सीगा कतर की लड़ाई के टाइम पर जोड़े जोड़ा कॉम्बैट का जो रेडियस वगैरह जिन्होंने कहें एक दूसरे के नाल विजुअल साइट के नाल जहाज़ों की लड़ाइया लड़िया होंगे सी जो मिसाइल सिस्टम बिल्कुल नवे नवे से सो हूँ तो मिसाइल्स आ गई बी वी आर 150 किलोमीटर दूर दूरों ही तुम्हें कोई फायर करके टा सकता है क्योंकि साढ़े को एयरबोन रिडार है वार्निंग सिस्टम ज्यादा सो यस द क्वालिटी ऑफ वॉरफेयर है चेंज पर जिदा कहो कि 71 लाए तो हूँ कि दो साइडों का बदल गया सो द कंसैप्ट ऑफ डूइंग अ वॉर है चेंज ओके यस मोर एक्यूरेसी मोर एक्यूरेसी ऑफ वेपन्स मोर एक्यूरेसी ऑफ द लीथलिटी ऑफ द वेपन्स हैव इंक्रीज सो इस चीज़ों की है लड़ाई का मतलब यही है कि दुश्मन एकदम उन्होंने पलवराइज करना उन्होंने जानी चंगी तरह झटका लगे कि वॉर तो ताई हुंदा रिजल्ट ये कि जब तक फिजिकल टेरिटरी ना गेन हुए अखीर जाके वॉर का यह मतलब यही है ये जिहड़ी झड़प हुई है तुहानूं की लगता कि ये चीन ने चीन पहला ही ये प्रिपेयर सीगा प्लैनिंग सी ये ऑबवियस हुई तो जिदा मैं तुहानूं दस्सिया सी जी उन्हां दा जो जिहड़ी वो अपना जिहड़ा कुरुक्रम हाईवे बन गया है उस एरिया नूं डोमिनेट करन दी
चाहते कि साढ़े तो पोलीटल साइड से मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहता पोलीटिकल आई एम नॉट अ पोलीटिकल जो फौजी होंगे पर सारा पता है कि उस जी द रोड लिंक दैट कोरकम जाके टिल पाकिस्तान एंड फर्दर ऑन इकनोमिक रूट जो बना रहा है उस डोमिनेट में इंडिया ने नहीं एक्सैप्ट किया राइटली सो कि वो साढ़े डिस्प्यूटेड एक्सटेंशन एरिया वगैरह चो जा रहा है कि इट इज़ अ थ्रेट टू आ इकनोमिक साइड एवरीथिंग सो उस चीज़ की साड़ी भी जो तैयारी यानी अपने भी जी दौलत बेग एयरपोर्ट लै लो बाकी मिलिट्री सिस्टम टू कीप आर एरियाज मच सेफ सो डूइंग वो जड़िया चीज़ा चाइना भी नहीं ठीक लग रही है दे ऑलसो वॉन्ट टू स्टे ऑन द डोमिनेटेड जगह जिदा तुम्हें कारगिल के टाइम पता है साढ़ा जोड़ा श्रीनगर तो लैके लेह ताई हाईवे जा रहा है ये जो कारगिल सारिया हिल्स ऑन पाकिस्तान साइड दे आर ओवर लुकिंग कर रही हैं साढ़े वो रोड्स डोमिनेट कर रही हैं इस इतने भी उही नियरली सिमिलर सिचुएशन हैगी है पर सिंस दे आर डिस्प्यूटेड एरिया वो उन्हों का नहीं है हूँ वो चाहते कि ये डिस्प्यूटेड एरिया आके कब्जा कर लैन सो दे विल बी एट अ बैटर पोजिशन सो दैट ऑल द हाईवे जोड़ा सा है उन्होंने दिसदा रहे सारी दिखता रहे तो सानू असी की कर रहे हैं साड़ी कोई चीज की चीज़ें वो ईजली मोनीटर कर सकते हैं एंड जो उन्होंने लड़ पे सू कट ऑफ करना बहुत सिंपल उन्होंने है अच्छा कतर के मैं थोड़े बारे पढ़िया कि तुसी पाकिस्तान की हद में जाके जो मिग 27 उड़ा रहे बंबा का मीह वराया तो उन्होंने हद के जाके तुसी काफ़ी दुश्मनों ढेर किया सीन थोड़ा जहा मैं जानना चाहना कि वह की सीगा जे तुहाड़ी याद है क्योंकि बड़ा अहम पल सीगा वो तुहाडे लई वो जी कतर की लड़ाई बाद वो जी उस टाइम नैट्स मिक्स मेरा बाद का रोल से मिग 23 मिग 27 कारगिल टाइम एंड लेटर ऑन से उस टाइम तो मैं नैट जहाज नैट एयर डिफेंस बेसिकली एयर डिफेंस जहाज से असं अमृतसर बेस्ड साडे सिगे सो कतर की लड़ाई च अमृतसर से बॉर्डर देखो सिर्फ 20-25 किलोमीटर फ्रॉम साढ़े फ्लाइंग पॉइंट भी एक मिनट जहाज परले पास जा सकता सीगा सो वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द जो उन्होंने पाकिस्तानी जहाज आना उन्होंने असी साडा जो अमृतसर बेस एक्टिव सी वाज टू स्टॉप देम ओके सो असी एयर डिफेंस सीगा मैं कि जो मैं किया है कि यहोजा कोई बढ़िया बॉम्बिंग शुम्बिंग नहीं जिदा तुम कह रहे हो कुछ नहीं कुछ किया नॉर्मल फाइटर पायलट की ड्यूटी की यस मैं 14 मिशन जरूर की वो साड़ी एयर डिफेंस रोल्स की एयर डिफेंस मतलब कि इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट टू कम इन एंड थोड़ा बहुत साड़ा ऑफेंसिव रोल स्वीप का रोल से यस कि असी गए अक्रॉस गए टू शो आर यू नो प्रेजेंस एंड एयर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू सो यस जोड़ो जोड़ा सिगा जी वो यंग असी सिगे 3-4 साल दी मेरी नौकरी सी 3-4 शायद नहीं 2 साल दी नौकरी सी सिर्फ ठीक है तो यंग वॉर सो पूरा जो जिन्होंने कहते सारे फैसेट्स देखे जिनी तैयारी किदा हुंदी है ओके किदा साडा माहौल बनाया पिछे महीने से सानू लग गया सी तुहानू पता जो मुक्ति बैनी दा ईस्ट पाकिस्तान व जो हूँ बंगलादेश है उधरले पास शुरू सानू टाइम मिले तैयारी करने का बहुत औखा है तैयारी करनी जो मिलना भी सो वी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड अटैक पॉइंट ऑफ व्यू दैन यू नो कमिंग टू द वॉर इटसेल्फ उदा जो जहाज आए साढ़े ते बॉम्ब डिग रहे सो सारा जो लड़ाई का पूरा माहौल यस देखा है हूँ जिदा कहना स्टोरीज है और बाद तो देखो ऑल आउट वॉर हुई नहीं लास्ट 71 के बाद कुछ होया नहीं है ईवन कारगिल वी नेवर क्रॉस द बॉर्डर सो दैट वे यू नो पाकिस्तानी जहाज आया से उन्होंने शूट किया एक 110F-104 जहाज अमृतसर के उत्ते शूट किया दूजे पास साढ़े स्ट्राइक वाले सके मैं पता जी 4 या 5 साढ़े जहाज वापस नहीं आए 3-4 POW बने स्टोरियंस उन्होंने एक पिक्चर भी बनी हुई है सो यस गुड एक्सपीरियंस ऑफ वॉट इज वॉर वॉट हैपन वॉट इज द रिक्वायरमेंट वो साढ़े कम आई एज आई ग्रू अप सीनियर जिन्होंने कहने एप्लीकेशन करना सो ये तजर्बा से लड़ाई का दस रहे थे कि अभिनंदन के फादर भी जेडे तो कतर की लड़ाई के लिए कारगिल की गल मैं चाहना कि उन्होंने धनोआ साहब के जो थोड़ा एक्सपीरियंस रहा वो बारे थोड़ा जहा दसो हाँ पहला तो यू नो वर्तमान वो भी एयर मार्शल रिटायर हुए हैं जिन्हें वर्त अभिनंदन उन्होंने लड़का सो असी साड़ी फर्स्ट एसोसीएशन आफ्टर द वॉर 71 वॉर 72 से तेजपुर से कट्टे सो लाइक कलीग वी हैव ग्रोन अप टुगेदर ही वाज आल्सो यू नो अ मिग 21 पायलट लाइक मी एंड अ वेरी गुड फाइन जेटमैन एंड अ वेरी गुड प्रोफेशन यस अभिनंदन हैव यू सीन हिम एज अ यंगस्टर सो सिर्फ वो जी अभिनंदन की जी स्टोरी है तुम कहने कि मैं थोड़ी बहुत कनैक्ट होंगी है कारगिल टाइम के कारगिल देखो मेरे को जरा आई वॉज कमांडिंग हलवारा तो साढ़े जहाज
MiG-23 MiG-27 श्रीनगर अवंतीपुर तो ऑपरेट कर रहे थे। सो ईवन उदो जड़ा व्हाट इज द निचिकेता, सो सेम सिमिलर केस वाज अंडर मी, सो ही गॉट शॉट ऑफ एंड ही बिकेम ऑल्सो POW एंड ही केम बैक। सिमिलर स्टोरी टू व्हाट हैपेंड टू जड़े अभिनंदन हुई सी। अहूजा वॉज अनदर केस, ओदा भी जहाज वेन ही वॉज रेड द बॉर्डर जल्द हिट हुआ, मतलब वेन वी पैराशूट ना आया वो भी पाकिस्तान टेरिटरी गिरया, वो भी बड़ा पेनफुल लगता है कि वो ही इजेक्टेड वेरी वेरी सेफली नीचे आके, बट ही वॉज इल ट्रीटेड बाई दी ग्राउंड पाकिस्तानी फोर्सेज एंड ही वॉज मार्टर्ड ओवर देयर। कहना भी बड़ा औखा लगता है। यस आई एम इन टच वाइफ के पिछो अभिनंदन नो निचिकेता जस्ट पिछले दिसंबर साढ़े MiG-23 MiG-27 की जी लास्ट फ्लाइट हुई सी, उस वास्ते सब जोधपुर गए थे, उत्थे आया उन्हें मिलया, वो भी सिविलियन ना। सो यस अभिनंदन की स्टोरी निचिकेता की समथिंग इज सिमिलर एंड एक्सपीरियंस जिदा तुम पूछा। यस मैनू लगता हुंदा कि जिहड़े एयरफोर्स दे जिवें तुहाडी जॉब रही है तां बड़ा वड्डा दिल करके ये सब कुछ करना पैंदा कि एक पासे जहाज नूं उड़ाउणा, दूसरे पासे जिहड़ी बमबारी करनी जां दुश्मन नूं मारना, तां उस वेले दिमाग दे विच की चलदा हुंदा कि कई वारी डर भी लगदा होऊगा जां मैनूं तां लगदा वी डर लगदा ही नहीं फौजियां नूं? देखो ये जिहड़ा सवाल है ना, हुण मैं रिटायर होण नूं बहुत हो गया टाइम है, द वर्ड डर इज यू नो एक पास देखा जाए डर तो सारे नू लगता है। ओके डर आई नॉ मैम थोड़ी हूँ मच्योरिटी गल कर 20 साल 21 साल का बंदा की कह रहा है। यस द अननोन यही रहा फीलिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू, मैं मरन नहीं जा रहा, मैं तो मरन जा रहा। सो उसी फीलिंग वर्ड डर जरा कि सारा जग एक इन डिफरेंट वे ना गायब रह जाता। जिदा साढ़े फ्रॉम फ्लाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि जिदा जहाज स्टार्ट हो गया दिमाग ही बाकी पासे खत्म, साडा एम है कि जाना उत्थे जाके उन्हें इत्थे बंदूक इत्थे निशाना करना, इत्थे बॉम्ब करना, दिमाग कुछ होर सोचता नहीं है। डर शर गल ए प्लीज यानी तुहाडे लई यू फॉर द नेशन टू एप्रीशिएट जे बंदे कोई चंगा काम कर तुहाडे कंट्री वास्ते कर रहे, बट टू से कि मैं डरदा नहीं है जब ये नहीं है बट और ये चीज़ें जी वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। यस वी आर ट्रेनिंग इज सो गुड, वी आर मेंटली स्ट्रांग, वी आर कंफर्टेबल living, we know our families are being looked after. ਤੁਸੀਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਸੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਨਾਰਮਲ ਜੋਬ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਠੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਏ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਏ? ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਇੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 5,500 ਆਰਸ ਹੈਗਾ, ਈਚ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਫਾਈਟਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ 71 ਵਾਰ ਇਨ ਕਾਰਗਿਲ ਨੋਬੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕੋਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਗੋਨ, ਵੈਸੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਨੋਬੜੀ ਹੈਜ਼ ਐਵਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਯੈਸ ਸਮ ਕਲੋਜ਼ ਵਨਸ ਹੈਵ ਹੈਡ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੌਂਬ ਡਿੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੌਂਬ ਡਿੱਗੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ। ਓਕੇ ਸੋ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫਲਾਇੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਜੰਗ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ
हिस्ट्री विल टीच एवरी टीचर्स एवरीथिंग बट यू नो दिस फिर तुम हम फिलोसफिकल वाल चले जाते हम लड़ाई काते हुई वर्ल्ड वॉर वन काते शुरू हुई वर्ल्ड वॉर टू काते शुरू हुई सो हिस्टोरिकली या मैनकाइंड इज अ लूजर डेफिनेटली कई बार होता ना कि पोलीटिकल डिसीजन ए हो जाते हैं कि फिर अपने आप में बंदा निहत्था ही समझता कि इन्ना कुछ हो गया क्योंकि मर्दी तो इंसान ही है उधर कोई होर चीज़ नहीं कोई दुश्मन है कि तो इंसान है इधर भी तो उधर भी तो कितना कितने फिर पोलीटिकल डिसीजन भी यह जे हो जाते हैं कि थोड़ा बंद हो जाता कि यार ये गलत हो गया कोई चीज़ है कि वी आर बियॉन्ड दैट जी जी सर्विस वाले ऑफिसर और थिंग वी आर अपोलिटिकल सानू पोलिटिक्स का कुछ है ही नहीं वी आर बहुत लॉयल्टी है फॉर द कंट्री ये मैं दस रहा सच होंगी है सारी ट्रेनिंग हैगी जानी कि जिदा जय हिंद यू नो जय 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 राम वट एवर जी सा जो सिखाया गया टू कीप अस टूगैदर वो तुम्हें जरूर उस लेवल से पहुँचा देता है बट टू कम ऑन टू you know haan tusi oh ki je puchya si mainu ki then I forgot the basic punch of yours asi but coming on to jede jede asi jo sade jede asi as a serviceman aur jidda asi jo hege hain ki the feeling for the country is definitely the aim is there todi izzat jedi hegi hai tode squadron waste tode force liye ki oh cheez nu asi we never want to let down kadi bhi aakhri sawal aa mera ki main phir dobara chin ate india de vich hi aaunga की लगता कि इस वे क्योंकि हाई अलर्ट के उपर रखा गया वा सारू सारे जिमें एयरफोर्स में भी लगता आर्मी में भी कह दिता तो की लगता कि तनावपूर्ण स्थिति जी अगे हो बधूगी सो ये चीज़ ताई मैं कह रहा पोलिटिकल क्वेश्चन है आई एम नॉट अ राइट मैन बट या मैं रिटायर होने बहुत चीज़ हो गया तो मैं कमेंट कर सकता है कि पोलिटिकल सिचुएशन तो है कि इस यू नो इट इज इट कैन यू नो कोई इमीजिएट गेन जी चीज़ उही चाहते चाइना वाले कि किस तरीके ने जगह की कब्जा हो सके या ना सके हूँ उन्ना ही है चीज़ है कि वो देखना यही वेदर इट इज़ अ डिप्लोमैटिक डिसीजन कि इस चीज़ के उत्ते कौन जितता है कि उन्होंने जहाँ एवरी वन विड्रॉज ओके और मेरे हिसाब ना जो एंड है ये कमिश चलूगी पर इतने गल मुकेगी डेफिनेटली कि इंडिया विल नॉट लेट दैम एक्सैप्ट एक्सैसट एनी ऑफ द जिहड़ा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया च असीं नहीं उन्होंने बैन नहीं देवांगे धन्यवाद सर बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गलबात करके मैनूं लगदा कि वो इक्कियां वाला जनून अजे भी तुहाडे च बरकरार है तो बड़ी पॉजिटिविटी हुई तुहाडे नाल गलबात करके सो ये जनून आ देश प्रति एक हिम्मत आ जज्बा आ कि हुडी साहब ने जिस तरीके नाल जंगा कई लड़ियां तो अज भी चेहरे के उपर यही उन्हां दे जिहड़ा आ साबित कर रहा अखां उही रोशनी जिहड़ी आ रही है कि जे अज भी इन्हों मैदान उतारिया जाए तो ये अज भी घट ना करन जिदा पहला घट नहीं सी करते रहे दुश्मनों के नाल फिलहाल चीन अते इंडिया दे विच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ये आने वाले समय दे विच ही पता लगेगा कि ये वॉर जां ये जिहड़ी झड़प हुई है ये की डिसीजन लेंदी है जां किहड़ियां किहड़ा रुख अख्तियार करती है ये आने वाले समय दे विच ही पता लगेगा कैमरामैन मनीष दे नाल मनदीप सिंह डेली पोस्ट पंजाबी जलंधर